तो इस बैग को बनाने के लिए इस तरीके से एक क्विल्टेड पीस लिया है मैंने, ऊपर मेन फैब्रिक, नीचे लाइनिंग, बीच में फॉर्म शीट, आटा बैग, राइस बैग जो भी है उसकी एक शीट, और उसके चारों तरफ सिलाई लगाई हुई है। इसके मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको, मैंने क्या लिए हैं, ये है 17 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली है 28 इंच। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसे शेप देते हैं। तो यहां से इसे फोल्ड कर लीजिए इस तरीके से, ये मैंने इसे फोल्ड कर लिया। यहाँ नीचे की तरफ से हम शेप दे देते हैं, पहले 2.5 इंच बाय 2.5 इंच पे हमें इसे शेप दे देनी है, 2.5 इंच, यहां से भी लेना है 2.5 इंच, इस तरीके से इसे कट करके। इस तरीके से तो ये मैंने बॉटम से शेप दे दी। अब हमें क्या करना है, ऊपर से शेप दे देते हैं। तो यहां से मैं इसे ऐसे करना है, पहले ये वाला पीस यहां से 2 इंच नीचे की तरफ आना है, यहां से 2 इंच पे निशान लगा है, इसे कट करके अलग कर लीजिए। ये मैंने कट करके अलग कर लिया, इस तरीके से कटिंग आ गई। अब हमें इस वाले पीस पे शेप देनी है, तो इसे खोल देते हैं और इसे ऐसे फोल्ड कर लेते हैं इस तरह। अब यहां से हमें शेप देनी है, 2 इंच हमें नीचे जाना है, यहां से 3 इंच हमें आगे की तरफ जाना है, 2 इंच हमें नीचे की तरफ जाना है इस तरीके से, और इसे मिला दीजिए। अब इसकी इसी शेप में कटिंग कर कट कर लिया, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए ये आएगा, ये इसके ऊपर आएगा और बाद में यहाँ पे हमारा फ्लैप आएगा। तो ये हमारी कटिंग हो गई। अब हमें क्या करना है, सेम इस साइज की एक पीस लाइनिंग का कट कर, ये देखिए ये हमने कट कर लिया था, सेम इसी साइज की एक पीस मैंने लाइनिंग का भी कट कर लिया इसे फिनिश करने के लिए। तो लाइनिंग कट हो गई, ये कट हो गया, अब हम इसके लिए स्ट्रैप बना लेते हैं। कपड़ा लिया है, ये मैंने लिया है 4 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली है अप्रॉक्सीमेट 22 इंच। तो पहले फोल्ड करके स्ट्रैप को रेडी कर लीजिए। तो इसे फोल्ड करना है, 1 फोल्ड 2 फोल्ड और एक और फोल्ड, तो सिलाई लगा के इसे और इसे दोनों स्ट्रैप को रेडी, दोनों स्ट्रैप को मैंने रेडी कर लिया। अब हम पहले स्ट्रैप ज्वाइन कर लेते हैं। तो लाइनिंग को 2 मिनट साइड पे रखते हैं, स्ट्रैप को ज्वाइन करना है, एक स्ट्रैप यहाँ पे रखनी है इस तरीके से, यहाँ पे ये जो कट है इसे 1/2 इंच इस तरफ 1/2 इंच इस तरफ यहाँ पे रखनी है, यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए और सेम उसी तरीके से सेम डिस्टेंस पे एक स्ट्रैप इस तरफ, स्ट्रैप को ज्वाइन कर लिया, एक स्ट्रैप इस तरफ और एक स्ट्रैप इस तरफ। अब हमें क्या करना है, लाइनिंग वाला पीस रखना है इसके ऊपर, ये मैंने लाइनिंग वाला पीस रख लिया इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, एक सिलाई लगानी है आपको यहां से लेके यहां तक 1, और एक सिलाई लगानी है आपको यहां से लेके यहां तक। मैंने सिलाई लगा ली यहां से लेके यहां तक और ये पूरा लंबाई में। अब यहाँ कॉर्नर पे जो इसके साइड्स हैं यहाँ पे छोटे छोटे नोचेस लगा दिए ताकि इजिली टर्न हो जाए कॉर्नर्स इसके, इस तरीके से। अब इसे टर्न कर लीजिए दूसरी तरफ को, ये अच्छे से कॉर्नर्स निकाल लिए मैंने और इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, इसके चारों तरफ सिलाई लगानी है, यहां से सिलाई लगाते हुए इसके चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए ताकि हमारे पास ये वन पीस रहे। टॉप स्टिच लगा लिया, पूरे पे साइडों पे सिलाई लगा ली। अब ये जो एक्स्ट्रा है यहाँ पे इसे इसी शेप में कट कर लीजिए। क्या करना है, अब हम इसमें 4 सिलाइयां लगानी है, 1 2 3 और 4। 4 सिलाइयां कैसे लगानी है, जस्ट इसे ये जो ये कट है हमारा इसे ऐसे फोल्ड करना है इस तरीके से, इसे फोल्ड करना है और यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर पे इसके 0.5 सेंटीमीटर यहां से लेके यहां तक सिलाई लगा लीजिए 1। सेम इसे फोल्ड करना है यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए 2। सेम इसे 3 और ये 4। तो चाहे सिलाई लगा ले, जस्ट इसे फोल्ड किया और ऊपर की तरफ से जैसे हम टॉप स्टिच लगाते हैं वैसे ही पतली सी सिलाई लगा ली। तो 1 2 3 और 4 चारों फ्लैप पे मैंने इस तरीके से इस पे सिलाई लगा ली। देखिए यहाँ पे आपको दिखेगी, ये देखिए। अब हमें क्या करना है, अब हम इस पे सिलाई लगाते हैं। तो इसे फोल्ड कर लीजिए इस तरीके से, ये मैंने फोल्ड कर लिया
अब आपको इस पे दो सिलाइयां लगानी है यहाँ से लेके यहाँ तक, दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा ली। अब ये जो रफ एजेस है इसे इस तरीके से सिंपल पट्टी लिया, स्ट्रेट पट्टी 2 इंच की, इसे फोल्ड करना है इस तरीके से, हाफ नीचे की तरफ हाफ ऊपर की तरफ, इस तरीके से रखते हुए रफ एजेस फिनिश कर लीजिए। रफ एजेस को इस तरीके से पट्टी से मैंने फिनिश कर दिया, तो प्रॉपर फिनिश हो गया। अब हम पहले इसका बेस बनाते हैं। तो यहाँ से इसे इस तरीके से पकड़ना है, एक सिलाई 1, यहाँ से पकड़ना है यहाँ से लेके यहाँ तक 2, तो 1 सिलाई लगा ली, इस तरफ भी इस तरफ भी। अब ये भी जो रफ एजेस हैं, जैसे पट्टी से इसे फिनिश किया है, इसे और इसे दोनों को सिंपल पट्टी से फिनिश कर, रफ एजेस को इस तरीके से मैंने पट्टी से फिनिश कर दिया, तो अंदर से प्रॉपरली फिनिश्ड है। अब यहाँ से इसे सीधा कर लिया, तो इस तरीके से देखिए ये मेरा बैग आएगा और यहाँ पे इसका इस तरीके से ऊपर की तरफ फ्लैप आएगा, फ्रंट साइड, बैक साइड, बॉटम साइड्स, इस तरीके से हमारा आएगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें इस तरीके से वेलक्रो लेनी है, तो वेलक्रो का एक पीस इस तरीके से, एक पीस इस तरफ लगाना है और एक पीस वेलक्रो का यहाँ पे, ये देखिए वेलक्रो का एक पीस मैंने इस तरफ लगा लिया, एक तरफ एक पीस इस तरफ लगा लिया, तो वेलक्रो के साथ इस तरीके से एनक्लोज हो जाएगा। यहाँ पे स्ट्रैप के साथ फ्रंट साइड, बैक साइड, बॉटम साइड्स, तो जिप लगाने का भी कोई झंझट नहीं है, बहुत इजी तरीके से बन जाता है। ये देखिए फ्रंट साइड, बैक साइड, तो ये हमारा बैग बिल्कुल रेडी हो गया है। यहाँ से वेलक्रो ओपनिंग के साथ अंदर देखिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस, प्रॉपरली फिनिश्ड इस तरीके से, तो ये हमारा बैग बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, बिल्कुल।